अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अभी शाम का 7 बज रहा है और मैं सुबह से आज व्लॉग नहीं बनाई क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर शराबा था और आज जोया का बर्थडे है इसलिए उनकी तैयारी चल रही थी सुबह दोपहर से मतलब की। और जो बलून फुलाने की मशीन थी ना उससे बहुत आवाज़ हो रही थी इसलिए वीडियो बनानी मुश्किल हो रही थी। तो मैं अभी दिखा देती हूँ कि क्या तैयारी हुई है। मैं छत से दिखाऊंगी पहले, तो अभी मैं छत पर चलती हूँ। ये मैं छत पे आ गई। तो छत पर जो है कि कुर्सियाँ जो हमने बाहर से ऑर्डर करके मंगवाया था वो छत पर लगा दिया है। छत सफाई हो गई थी, धुल गई थी अच्छी तरह से और खाना जो है छत पे ही होगा। और ये है रूम, बाहर का है। गुब्बारे जितने थे सब अंदर लग गए। इधर यहाँ पर बाहर हमने नहीं करा डेकोरेशन, एक ही रूम में करा है वो ये है। और इस वाले को पूरा हॉल को खाली कर दिया हमने। ये पूरा सजावट करा है जैनब, अरीबा और मेरा भाई जहांगीर। ब्लेगर हो रहा है। और ये है छत। और बर्थडे के जो कपड़े आए थे वो यहाँ है। जोया की जो गिफ्ट बाहर से आई थी वो जोया पहन के रेडी हो गई है। और बाकी सामान तो यहाँ भी पैक किए हुए हैं, नहीं खोला मैंने। और ये मैडम, और ये कुछ बर्तन है जो बाहर से आई हैं। जो जोया के बर्थडे का केक है वो अभी नहीं आया है, वो 8 बजे आएगा। और खाना भी हमने बाहर से बनवाया और बाहर से ही बनवाया है ऑर्डर करके, क्योंकि घर में बनानी मुश्किल हो रही थी और गर्मी भी बहुत है और लाइट भी कई दिन से रुक नहीं रही, चली जाती है एक एक घंटे के लिए, वो मुश्किल है। और इतने दिन से बारिश नहीं आया है लेकिन आज बारिश का मौसम सुबह से हुआ है, ऐसा लगता है अभी बारिश हो जाएगी। शाम का टाइम है, मौसम भी काफ़ी ठंडा हो गया है। मैं थोड़ा बाहर का दिखाती हूँ, ये बाहर का एरिया है। अब बारिश जैसा मौसम हो रहा है तो यहाँ जोया की केक कटिंग होएगी। अभी रात के 8:30 बज गया है और ये जोया की गिफ्ट है। ये दो मेरा गिफ्ट नहीं है, सब रेडी हो गए, मैंने अभी नहाया तक नहीं। और ये फैजान भी है ना, फैजान है कर अस्सलाम वालेकुम करा। और जोया भी रेडी हो गई है, अब मैं जोया का दिखाती हूँ। जोया हाय करो। हाय। अच्छे से हाथ नीचे, चलो घूमो। चप्पल नहीं पहना, चप्पल नए वाले पहनो। यू आर स्माइल। लड़की हम रहते हैं यार, लड़के। ये हमारी नंद, चलो छोटी है और ये भी छोटी है। और ये रही खुशबू और ये रही नजर, आधा मॉडर्न आधा हिंदुस्तानी, मतलब सूट सलवार में हिंदुस्तानी बाकी मॉडल है। मैं तो अलग ही पहनती हूं। कायना है और ये आयशा है। हाय, आज मेरी
और ये है जो अभी रेडी नहीं हुआ, लेकिन हाँ इसके तो हेयर स्टाइल हो गए। देख रहा मामी कहाँ बैठी है? मामी तो ऐसा मामी हाँ इसको निकाल दो गत्ते में। अच्छा ठीक है, चार साल की आओ, चार साल की। अरे मामा जी आ जाओ, आप आ गए आओ। किसे आयशा ने भी अरे हट जा छुड़ैल, मेरे पूरे पतन में बस सोए रहे ये बच्चा पार्टी, ये रे बंटी भैया। अभी रात के 1:30 बज रहा है और मैं केक कट का समय था जब मेहमान आना शुरू हुआ, और केक कट का टाइम था, इतने बच्चे और मेहमान आ गए कि मैं वीडियो नहीं बना पाई। उस समय अगर मैं फोन लेकर वीडियो रिकॉर्ड करती तो मैं नहीं कुछ कर पाती ना, देख पाती, क्योंकि बहुत शोर शराबा हो रहा था।
और मैंने कहा अभी मैं वीडियो बनाती हूँ, अभी तक देखेंगे अभी क्या हो रहा है। मेहमान तो चले गए खाना पीना खा के, केक भी कटिंग हो गई सब कुछ। ये जोया कर रही है उधेड़ पुधेड़। जोया छोड़ दो, टूट जाएगा। ये भी काट दो, एबीसी नहीं, वो रहने दो। और यहाँ सफाई चल रही है और ये बर्तन धुल के आए हैं जो छत पर धुल रहा है। तो अभी कूलर चल रहा है, आवाज़ नहीं आएगी। मैंने ये कपड़े पहने थे चेंज कर लिए, बहुत गर्मी लग रही थी। और जोया को गिफ्ट में क्या क्या मिला है वो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसका, वो मैं उसमें दिखाऊंगी। और अभी मैं छत पर चलती हूँ, ये शाहिद थक के सो गए। ये कुर्सियाँ हैं जो सुबह जाएगी जहाँ से आई थी वहाँ। ये जनाब बर्तन धो रही है 1:30 बजे रात को छत पे। गर्मी नहीं लग रही ना जनाब, आज बहुत तेज हवा है छत पे। तो मैं अभी नीचे आ गई हूँ क्योंकि छत पर अंधेरा है, तो मैं वीडियो वहां नहीं बना सकती। फ्रंट का बैक साइड तो मैं बना सकती, और इस समय कूलर पंखा चल रहा है तो भी मैं व्लॉगिंग नहीं कर सकती। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जोया का बर्थडे स्पेशल व्लॉग अच्छी लगी होगी। कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। मैं जो बात की वीडियो है वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी।